हाय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त भी स्वस्थ बिंदास होंगे फ्रेंड्स। तो अभी ना फ्रेंड्स, हम ना अभी घर के काम से अभी निपटे हुए हैं, अभी सम गया है सब कुछ और मतलब साफ़ सफाई फिनिश की है, और अभी थोड़ी सी रह रही है अभी, उसको मैं अभी करूँगी। और नहीं, थोड़ी सी बादल आ गए थे, बादल फिर हल्की हल्की सी ना आज बारिश होने लगी है, मतलब काफ़ी दिनों के बाद में बारिश हुई है। और आप देख ही रहे हो कि कई दिनों से कितनी कड़क गर्मी, धूप और अभी तो पसीना भी आते हैं, और साथ में हवा के साथ नहीं पसीना सूख भी नहीं पाते हैं, तो वही थोड़ा सा ना आज के दिन राहत है और धूप नहीं है आज। और आज मैं बाहर दिखा देती हूँ ना आपको, दिखाऊंगी ना, तो बहुत अच्छा मौसम है, मतलब धूप नहीं निकल रही है और बादल खूब है। सुबह से ना ऐसे बारिश तो हुई नहीं है, लेकिन वो है कि नन्नी नन्नी छींटें, जैसे जिन्ना नहीं होता है ना उस तरह से बूंदा कई दफ़े आ चुकी हैं और कई दफ़े जा चुकी हैं। और नहीं, रचित मितांश और ऊपर छत से भी गए थे, इस जीने पर चढ़कर, इस वाले जीने पर चढ़कर छत पर गए थे, और अभी जैसे उतर कर आए हैं जैसे ही, तो फिर से वो बाहर चले गए हैं। और अभी जैसे बूंदें आई थी ना, तो धूप नहीं है आज बिल्कुल भी और बारिश भी नहीं है। अभी जैसे आती हैं तो धरती और इक्का दुक्का बारिश, इक्का दुक्का जैसे बूंद पड़ती है ना उस तरह से बूंद पड़ रही है, ऐसी नहीं है कि घनघोर बारिश हो, ऐसी नहीं है। पर हाँ ये है कि हवा भी चल रही है, तो आज ना थोड़ी राहत है गर्मी में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी फ्रेंड्स हम मैंने इसलिए रेडी, हम जल्दी हो गए हैं कि नहीं, फिर बच्चों से पहले अगर मेरा अगर ये बाथरूम वाला काम निबट जाता है तो हो जाता है, उसके बाद में जब बच्चे ट्यूशन वगैरह चले जाते हैं और फिर नहीं हो पाता है मेरा, फिर मुझे इंतज़ार या वेट ही करना पड़ता है कि कब बच्चे आए, कब मेरा अपना काम हो। तो थोड़ा सा मैंने काम छोड़ कर ना पहले अपना काम निपटाया है। और अभी देखो मितांश ये बाहर से आ रहे हैं, रेत नहा नहा कर, मतलब दो बूंदे आए हैं, नहा लो, अभी नहाने की बोल रहा है तो नहाने के लिए जा रहा है अब बाथरूम के अंदर। ना झगड़ा ना करो, हम कपड़े उतार देंगे, नहा लेने दो इसको। तो मैं मितांश के कपड़े उतार देती हूँ, और मितांश ने आजकल बड़ा हो गया है, अब हमारे हाथों से नहाता नहीं है, तो वो अपने आप अपनी मर्जी से नहा के आता है। तो हर रोज़ का यही काम है, अगर हम नहीं लाएंगे तो रोएगा और चिल्लाएगा, और जैसे साबुन लगाना ना तो चेहरे पर, अब आपको देखा गया कि आप भी नहाते होंगे तो बिना साबुन के चेहरा साफ नहीं होता है। तो वही चीज़ है, थप्पड़ मारूंगी, अभी परेशान करने में लग गया है, फिर से मुझे डांटना पड़ा है इसको। और अभी मैं दिखा, इधर कपड़े उतारूँ, जाओ ये वहीं उतार लेना, जाओ वहीं उतार लेना। तो जैसे मैंने मितांश का ना कपड़े उतार दिए हैं, और उसकी बहन अभी उसमें से निकली नहीं है, और उसको ना बहुत तंग करते हैं ये दोनों भाई, उसको ना कभी गेट लगा देंगे तो कभी उसके ना टॉवल वगैरह रख देंगे, मतलब इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं। छोटे हैं, लेकिन अगर वो दीदी नहीं दिखेगी तो उसको ढूंढते डोलेंगे कि मम्मी दीदी कहाँ गई, प्यार भी है और उसको परेशान भी करते हैं। तो थोड़ा सा ना फ्रेंड्स मेरा ना ये काम रह गया था, थोड़ा सा ना यहाँ धूल है, ये देखो ये थोड़ी सी ना धूल है, तो अभी मैंने ये साफ़ नहीं किया, और थोड़ा सा मैंने अभी इसको साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद में रेस्ट मिलती हूँ थोड़ा अभी, और एक छोटा सा कपड़ा ले लेती हूँ कपड़े से ही। तो अब ये इसके लिए मैंने अलग से कपड़ा रखा था, लेकिन ये बच्चों ने इधर से उधर पोछा लगा दिया ना मेरे साथ में, तो उसको फेंक दिया फिर से। अब मेरे को कपड़ा छोटा निकालना पड़ेगा, और तब उसका अभी देखो बाहर भी धूल है ये देखो। और आज जैसे बारिश तो है, लेकिन ना अभी बूंदें नहीं आ रही हैं, तो बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है, बहुत बिजली कड़क रही है, गरजने की आवाज़ आ रही है। बिजली भी दिख रही है, लेकिन दूर है, वो ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन कड़कने की आवाज़ आ रही है, गरजने की। तो अभी देखो शाम को बारिश हो या नहीं हो, क्या नहीं हो। तो अभी फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में।
हनी मितांश को मिलाकर मैं लेकर आ गई हूँ। बट रोया था थोड़ा सा, फिर उसके बाद में चुप हो गया। और अभी तेल और पाउडर अपने आप से फिर से लगाने लगा है। दिखाओ मिट्टू। और अपना अपना अलग अलग पाउडर ले लेकर लगाने लग रहे हैं। देखा, लगता इधर आ, इधर मैं लगाऊंगा। दिखा, इधर मैं लगाऊंगी। देख उस लड़के को, कितना पागल है। मम्मी ऐसी की कैबरी बन गई। चलो तो इसको उतार के ये पहन लेता हूँ। बस अच्छे लग रहे हैं ना दीदी। देख जरा मिला क्या, देख जरा ये है महाराज हमारे भूत। तो ना फ्रेंड्स, मैंने ना ये जंगला के जो पास में गंद जमी थी ना, वो मैंने साफ कर दिया। ये बाहर की तरफ से भी साफ कर दिया और अंदर अंदर की तरफ से भी साफ कर दिया। ये देखो, और जो चीज अगर साफ नहीं हो तो वो गंदा ही दिखने लगता है। और ना फिर मन भी नहीं करता, अजीब अजीब तरह से। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि बारिश तो बादल तो हो रहे हैं लेकिन बारिश नहीं आ रही है। तो अभी ना अब बारिश आने लगी है मतलब। और आपको ऐसे नहीं दिखेगा, मैं आपको थोड़ा ना बैक में दिखा देती हूँ ना। और इतनी अच्छी हवा भी चल रही है, जैसे बारिश हो रही है ना, तो बारिश के साथ साथ में इतनी अच्छी हवा लग रही है कि मानो जान में जान आ गई हो। तो मैं अभी बैक में दिखा देती हूँ। हल्की है पर हाँ ये है कि ठीक है बारिश। ये देखो, ये ना ऐसी 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 बारिश है, ये थोड़ी थोड़ी बूंदें आने लगी हैं। तो मितांश जाके बैठ गया है उधर। ये देखो, जाके उधर बैठ गया है ना। मैंने दिखाया ना कि बूंदें अभी ऐसे आ रही हैं, तो धीरे धीरे ना बारिश के ना बढ़ रही हैं बूंदें। बूंदें बहुत तेज लग रहा है कि बारिश हो जाएगी और राहत मिल जाएगी गर्मियों गर्मी में। तो आप ये देखो, तो फ्रेंड्स तो फैमिली यूट्यूब फैमिली, बारिश थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंने सामान अभी ना गेट पर से निकाल के ना अंदर नहीं टाँगा है। और मैंने छाता ना इस तरह से लगा दिया है, देखो ऐसे लगा दिया है सामान के ऊपर, ये देख सकते हो। तो ना जब तक तेज़ नहीं आ जाएगी तो मैं सामान को हटाऊंगी नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बारिश है भीग जाएगा। तो उसी के ऊपर मैंने सामान के ऊपर छाता लगा दिया है। तो बारिश थोड़ा सा ना मौसम को राहत दे रही है, अच्छा लग रहा है। दिन दिन भी जैसे हवा भी चल रही है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मिलती हूँ।
वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।